हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनोद कुमारी, सात्विक रसोई की एक और कुकिंग अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खट्टे बैंगन। तो आइए चलते हैं किचन में। खट्टे बैंगन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए बैंगन, और ये जो बैंगन है हमें लंबा वाला बैंगन चाहिए होता है खट्टे बैंगन बनाने के लिए, ठीक है। और चार टमाटर हमें प्यूरी के लिए चाहिए, और दो हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा। और मसालों में हमें चाहिए आधी छोटी चम्मच जीरा, एक चम्मच हमें सूखा धनिया पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग हमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अमचूर के दो चम्मच, क्योंकि खट्टे बनाने हैं इसलिए अमचूर हमें चाहिए। तो बैंगन को कैसे काटना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर बैंगन लंबा है तो बीच में से कट करेंगे इसको, एक कट यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, यहाँ से जुड़ा हुआ रहने देंगे। इस टाइप से हम सारे के सारे बैंगन जो है वो काट लेंगे इस तरीके से। और ये जो टमाटर हैं और ये सारे मसाले की हम प्यूरी बना लेंगे। और तब तक हम गैस ऑन करते हैं। इसके लिए मैंने 24 सेंटीमीटर वॉक का यूज़ किया है, हीलुक्स की 24 सेंटीमीटर वॉक। और हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। जब तक ऑयल हमारा गर्म होता है तब तक हम इन टमाटरों की प्यूरी बना लेंगे। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। बहुत सिंपल मसालों के साथ ये सब्जी बनती है। और ये मैंने प्यूरी बना ली है टमाटर की। यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं वो इसमें सबसे पहले यहाँ लहसुन प्याज को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद टमाटर डालेंगे। लेकिन मेरे घर में लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता इसलिए, और जो लोग मतलब लहसुन प्याज की सब्जी नहीं खाते उनके लिए ये है कि टमाटर डाल लेंगे इसके बाद। इसके साथ ही मैं बाकी के मसाले भी ऐड करूंगी। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये घी अलग नहीं हो जाता। इसके अंदर डालेंगे हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। हमारे हीलुक्स के कुकवेयर की खासियत है कि बिना कड़छी मारे तड़का हमारा पक जाता है, भून जाता है। तो हम इसको लिड को लगा देंगे और इसको पकने देंगे सिम आंच के ऊपर जस्ट 5 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में बिना कड़छी मारे जो मसाला हमारा भुना है वो देखिए बिल्कुल भून चुका है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच अमचूर डालेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे इसको। अब इसके अंदर हमारे बैंगन जाएंगे।
अब इसके अंदर जाएगा पानी। पानी इतना डालना है कि ये थोड़ा सा बैंगन जो वो डिप हो जाए। ये हाफ के जी बैंगन है। अब इसको हम ढककर 10 मिनट पकाएंगे और हमारे खट्टे बैंगन की सब्जी तैयार हो जाएगी। अब 10 मिनट तक इसको ढक देंगे। सिम आंच के ऊपर ये 10 मिनट कुक होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो बैंगन हैं वो पक चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे खट्टे बैंगन बनके तैयार हो चुके हैं। इसको चपाती के साथ खाया जाता है। चपाती के साथ बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। और यकीन मानिए, जहाँ जितनी भी चपाती आप खाते हो, एक एक्स्ट्रा ही खाओगे। तो प्लीज़ इसको अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।